Hey everyone, welcome back to my channel. This is Daros, Expert Truth. Always exposes darkness. So, कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे. So, of course, how will be your next 48 hours? It will be absolutely a timeless prediction. इस 48 घंटे के अंदर हम जानेंगे कि आपके लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है जो पहले कभी भी नहीं हुआ हो. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. लास्ट में हम इंट्यूटिव चीट से देखेंगे ताकि हम और भी वेरीफाई कर पाए. दो डेक से देखेंगे और ओरेकल से डेफिनेटली देखेंगे. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में नेक्स्ट 48 आवर्स किस तरह से होंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में अगले 48 घंटे किस तरह से होंगे. नेक्स्ट 48 आवर्स हाउ विल इट बी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज गाइड करें कि नेक्स्ट 48 आवर्स किस तरह से होंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज गाइड करें. वी डू हैव द एस ऑफ इंटेलिजेंस. गुड. हमारे पास है यहाँ पे 9 ऑफ कैरिश्मा. ग्रेट. यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ कप्स. वी डू हैव 4 ऑफ कैरिश्मा. यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ कैरिश्मा. ओके. वी डू हैव द 6 ऑफ विजडम, द 6 ऑफ कप्स एंड हमारे पास है 5 ऑफ इंटेलिजेंस. जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं थोड़ा सा सेट कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे. एंड लास्ट में है 9 ऑफ स्ट्रेंथ. अच्छा, पहले ही मैं बता देती हूँ, कुछ लोग अगर फाइनल राउंड के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो सो वहां पे आपकी लेवल ऑफ यू कैन से लाइक यू नो व्हाट, जैसे फाइनल राउंड में सबसे ज्यादा हार्ड एंड डिफिकल्ट राउंड माना जाता है. वहां पे टेस्ट किया जाता है पेशेंस को और वहां पे टेस्टिंग किया जाता है आपके कमिटमेंट को उस कंपनी के प्रति जिस कंपनी के लिए आप काम करने जा रहे हैं या जिस जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप ऑब्वियसली सिलेक्टेड होंगे. उसके लिए आपका लॉयल्टी टेस्ट होता है, आपका डेडिकेशन टेस्ट होता है, आपकी पेशेंस लेवल का भी टेस्ट होता है. कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसा पूछा जा सकता है जहां पे आपको लगेगा कि इसका आंसर मैं किस तरह से दूं. सो बी प्रिपेयर्ड, ओके, बिफोर. अदरवाइज क्या होगा ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो जॉब हो या परमानेंट हो, ठीक है, या कोई डील हो, कोई नेगोशिएशन हो, ठीक है, कुछ लेना देना का व्यापार हो, तो उसमें भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको बेस्ट जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप देते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ कंपनी को आप प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी आपका फर्म है, तो वहां पे भी आपका चेकिंग होगा कि किस तरह से आप उस कंपनी का डिमांड जो है पूरा कर सकते हैं या नहीं, ठीक है. यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. अर्थ साइंस आर वेरी स्ट्रांग, कैप्रिकॉर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो और यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. 9 नंबर 6 9 6 96 69 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड 5 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हो सकता है ये आपको 48 आवर्स के जगह पे 5 से 9 आवर्स के अंदर या 5 से यू कैन से दैट 9 आवर्स के भीतर कुछ इस तरह का मैसेजेस आपको आए जो काफी अर्जेंट हो और जिसको पढ़ना पड़े आपको, पूरा मेल आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, नेगोशिएशन होगा आपका. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेक बिफोर, यू शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन कि वो कंपनी जेन्युइन है या फेक है, क्योंकि अलर्ट भी रहता है. नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफी इधर तो आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते जाएंगे अपने पार्टनर के लिए, अपने एसेट के लिए. हो सकता है आपको इनसिक्योरिटी महसूस हो, अरे ये मेरे पास है
लेकिन फ्यूचर में क्या भरोसा कि मेरे एसेट का जो है वो वैल्यू कम ना हो जाए, तो मैं और किस तरह से ठीक है उसको बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ। सो यू विल थिंक अबाउट योर एसेट्स, योर प्रॉपर्टीज। सॉरी, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपको ऐसा लग सकता है कि चलो मैं एक पैसा भी आज से खर्चा नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। आई ऑल्सो डू थिंक सो कि यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी क्लियर यू कैन से दैट स्ट्रेटेजी कि आपको कहाँ जाना है ठीक है, और आपको उस रास्ते पर जाना है या अपना जो है रास्ता बदल लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। यू हैड बुक्ड अ ओला और उबर ठीक है, वट एवर बी इट इज, आई एम नॉट प्रोमोटिंग बट आई एम सेइंग, आप अपने बुकिंग कर लिया, बुक्ड हो गया, आपके पास आ गया सारे डिटेल्स, एंड नाउ जब आप कार राइड पे बैठे तब आप देख रहे हो जो भी ड्राइवर है वो यूजुअल रूट से जो है लॉन्गर रूट पकड़ रहे हैं ठीक है। तो अगर आप उनसे पूछे कि क्यों आपने लॉन्गर रूट लिया, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो आपको बोले कि देखो हम तो पहुंच ही रहे हैं ना डेस्टिनेशन पर, बट अगर हम इस रास्ते से गए तो और भी ज्यादा ट्रैफिक हमें मिलेगा, दैट्स वाई ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भले ही आपको अपना कोर्स, अपना वे, अपना रास्ता जो है वो चेंज करने पड़े, लेकिन वो रास्ता आपको एक डेफिनेट गोल तक, आपका डेफिनेट जैसे टारगेट बोलो वहां तक पहुंचा रहा है। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप एक स्टूडेंट है, काफी ज्यादा फोकस आपका जो है यहाँ पे बुक्स के, मुझे ये भी दिख रहा है दैट यू विल गेट लाइक मोर पावरफुल यू कैन से कनेक्शंस रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट टीचर या मेंटोर। हो सकता है कि आपको उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोच चाहिए, हो सकता है कि आप एक साइंस स्टूडेंट है राइट, सो कहीं ना कहीं पे आपको वो फैकल्टी चाहिए जो आपको पढ़ा सके, प्राइवेट टीचर चाहिए ताकि आप फाइनली जाके उसको कंप्लीट कर पाए, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर चाहे आपको कोई भी कुछ बोले, लेकिन आप भी अपने हथियार जो है, आप भी अपने वेपन्स जो है, आप अपने डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज जो है वो सही रख रहे हैं, एंड यू आर विनिंग एनीथिंग, लाइक आई कैन सी लाइक दैट यू आर विनिंग विद योर नॉलेज, विद योर विजडम, विद योर ब्यूटी, विद योर एलिगेंस। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है ठीक है, अगर आप एक ब्लॉगर है, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट यू विल बी एक्सेलेंट इन योर परफॉर्मेंस, क्योंकि आप लास्ट तक क्विट नहीं करेंगे। आपको इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जा सकता है कि आपको बोला जा सकता है या आपको इस तरह का लेवल ऑफ टास्क दिया जा सकता है जहां पे आपको लग सकता है ये एक बहुत ही डिफिकल्ट जोन है, लेकिन आप क्लियर कर जाएंगे। सो यू कैन पास थ्रू प्रेशर्स बट योर स्टैमिना, जो बोला जाता है ना, जिसका स्टैमिना आजकल के समय पे नहीं है, बिल्कुल ब्लंट हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि कंपटीशन रहेगा ही, कंपटीशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते। वेर एवर यू विल गो यू विल हैव कंपटीशन, इन एनी फील्ड यू विल हैव कंपटीशन, बट यहाँ पे जो चीज होने वाला है वो है हेल्दी कंपटीशन। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। इन द नेक्स्ट 48 आवर्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाई प्रिस्टेस यहाँ पे टू टाइम्स है, बिकॉज यू सी अंडरनेथ दिस कार्ड, बीनीथ द कार्ड इट वॉज हाई प्रिस्टेस एनर्जी। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स द हाई प्रीस्ट एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, द हार्वेस्ट ऑब्वियसली यहाँ पे है फाइव ऑफ पेंटेगल्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ वैंड्स,
यहाँ पे है द हॉर्न गॉड, एसव स्वर्ड, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द स्टैंडिंग स्टोन। मैं जो बताने की कोशिश अब मैं कर रही थी वो है यू विल बी, जैसे होता है ना कि जो योगी होते हैं, जो साधु होते हैं, जो हर्मिट होते हैं, ठीक है, उनका मेन फोकस क्या होता है, इट इज टुवर्ड्स द लाइट, ताकि वो फाइनली ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है इससे वो छुटकारा उनको मिल जाए। तो वो उस रोशनी के तरफ जाते हैं। रोशनी के तरफ जाना मतलब ही है आपको अंधेरा जो है वो पीछा, ठीक है। ये जो मोह माया का एक दुनिया है, इल्यूशन का एक दुनिया है, उससे आगे बढ़कर एनलाइटेंड होना। सो यहाँ पे हम यहाँ पे फिजिकल बॉडीज में है, और हमारे लिए हर एक के लिए तो ये नहीं होगा कि हम लोग साधु या सन्यासी के रूप में चले जाए, क्योंकि अलग अलग इंसान का अलग अलग पर्पस है। नाउ यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रहा है, विद इन द नेक्स्ट 48 आवर्स यू विल रियलाइज दैट योर सोल पर्पस इज समवट डिफरेंट। आपका सोल पर्पस, आपके कजिन सिस्टर्स, कजिन ब्रदर्स, आपके खुद के भाई बहन, सबके अलग अलग है, पर आपके खास अलग हैं। एंड व्हेन यू विल रियलाइज दिस, आपका कोई भी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा, बिकॉज यू विल फाइंड योर ओन वे। जब हमें रास्ता दिख जाता है तब हमें पता चलता है कि उस रास्ते पर चलो, और फिर हमारा जो डेस्टिनेशन है वो तो हमें मिलेगा। सो दैट डेस्टिनेशन इज गोइंग टू गिव यू ऑल द हैप्पीनेस, सब कुछ आपको खुशी देगा। आपको एक जो जीवन है, जो संसार का जीवन है, जहाँ पे आप खुश रहेंगे, इवन सिंपल चीजों से भी आप खुश रह सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये भी आप रियलाइज करेंगे कि खुश रहने के लिए कोई बहुत बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, हाउस या एनीथिंग इट इज नॉट नीडेड, बट हाँ इट इज ऑल्सो लाइक दिस दैट इट विल ऑल्सो गिव यू, सिंपल फूड ऑल्सो कैन गिव यू हैप्पीनेस। सरल चीजें, सरल तरीके से रहना, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड वे में मत जाना। प्रोसेस्ड फूड अच्छा है, या हमारे लिए दाल चावल जैसा नॉर्मल फूड अच्छा है, या बॉइल्ड अच्छा है, ये कमेंट जरूर मैं लिखना। ऑब्वियसली प्रोसेस्ड चीजें अच्छे नहीं है हमारे हेल्थ के लिए। तो प्रोसेस्ड चीज मतलब क्या है, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, वो चीज जो है, फॉर एग्जांपल एनीथिंग विच इज मेड आर्टिफिशियली, जो नेचुरल नहीं है। सो आर्टिफिशियल चीजों को हम लेंगे तो क्या होगा, हमारा हेल्थ बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको अकेला फील हो सकता है, बट अगेन आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट बहुत सारे लोग करियरिस्टिक जो भी हैं वो इतना परवाह नहीं करेंगे, एंड देन दे विल अगेन बी मूविंग टुवर्ड्स द लाइट। यहाँ पे एस ऑफ इंटेलिजेंस, एस ऑफ स्वर्ड्स भी टू टाइम्स है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पास कुछ ऑफर्स आ सकते हैं, मे बी विद इन वन डे वन आवर ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो हैपन लाइक दैट, जिस ऑफर के बदले आपको बहुत हेवी अमाउंट ऑफ मनी यू कैन रिसीव, आई कैन सी लाइक दैट, या कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन, एक ऐसा नई शुरुआत आपके जीवन में दो दो बार मुझे दिख रहा है, दो दो बार इंडिकेशन आया है यहाँ पे कि वो शुरुआत अगर हो गया तो आगे आपकी भविष्य जो है वो सुनहरा है और आगे भी रहेगा। एंड डेफिनेटली आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट व्हेन द जजमेंट एंड द जस्टिस हैज कम, सो जो भी चीजों से आपको ऐसा लगता था कि आपको वो हक नहीं मिला, आप अंडर प्रिविलेज्ड थे, आपके जो भी आसपास के लोग थे उनको मिला, बचपन में हो, टीनेज एज में हो, या कहीं ना कहीं भी यंग एडल्ट एज में हो, सपोज आपकी एज ज्यादा है, तो उन लोगों के लिए मैं खास बोलना चाहती हूँ, you will get such a deal or a contract or a person whom you can share the most, जिनके साथ आप share कर सकते हैं बहुत कुछ चीजें, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। यहाँ से हम देख लेते हैं with the help of this cards, controversial situation हो सकता है, so please be alert। यहाँ पे diplomatic and rude, हो सकता है कोई आपके साथ इस तरह से व्यवहार करे और आप उनको
उनको अवॉइड करना पड़ेगा. मीटिंग फिक्स्ड, कोई मीटिंग फिक्स होगा, ये भी मैंने देखा है यहाँ पे. एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पूर्वज है या आपके पितृ दोष है, तो हो सकता है कि वो आपके जीवन में इफेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको इतना दिन समझ में नहीं आ रहा था. तो पितृ दोष का आपको रिमेडीज करना पड़ेगा किसी एस्ट्रोलॉजर या कोई किसी के पास जाकर. गुड ओमेन, बहुत अच्छे साइंस भी आपको मिलेंगे, शुभ समाचार भी आपको मिलेंगे. सो यहाँ पे बहुत ज्यादा 50-50 चांसेस बन रहे हैं. शॉर्ट, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी के साथ आपका बातें हो सकता है. यू विल हैव स्ट्रांग इम्यून सिस्टम, आपके इम्यूनिटी सिस्टम में आप देखोगे कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज यू हैड बीन टेकिंग हेल्दी डाइट. ठीक है, सम नॉवेल्स, कुछ नॉवेल्स से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मिस्टीरियस या कुछ इस तरह से आप नॉन फिक्शन या फिक्शन जो भी नॉवेल्स है, काल्पनिक हो रियल हो, ठीक है, उससे कुछ इस तरह का स्टेटमेंट्स आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जिससे पढ़ने के बाद मे बी ई लर्निंग आप अगर कर रहे हैं तो हो सकता है कि मोबाइल से या कहीं से भी आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले. प्रोटेक्शन हमेशा आपके पास रहेगा, यू विल बी प्रोटेक्टेड. येस्टरडे आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ समथिंग, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये बात कहे कि कुछ रीजंस के वजह से लास्ट नाइट वो नहीं सो पा रहे थे, और रीजन है आप. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.